छत्तीसगढ़ सोतोकान कराटे डो एसोसिएशन व जिला कराटे संघ के संयुक्त तत्वाधान में कोंडागांव जिले के सामुदायिक भवन फरस गांव में कराटे टेक्निकल सेमिनार तथा बेल्ट टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के कराटे खिलाड़ियों ने आत्मरक्षा के तहत जूडो टेक्निक का प्रशिक्षण लिया। सेंसेई सरजीत सिंह बक्सी, अध्यक्ष मुख्य प्रशिक्षक छत्तीसगढ़ सोतोकान कराटे डो एसोसिएशन द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिले के खिलाड़ियों को पंच, किक, ब्लॉक, प्रतिद्वंदी को लॉक करते हुए प्रहार करने, काता, कुमिते के टेक्निक सिखाए गए। प्रशिक्षण उपरांत कराटे खिलाड़ियों का बेल्ट टेस्ट भी लिया गया, जिसमें 26 येलो बेल्ट, 7 ग्रीन बेल्ट, 1 ब्लू बेल्ट, 4 पर्पल बेल्ट और 13 खिलाड़ी ने ब्राउन बेल्ट प्राप्त किया। कराटे टेक्निकल सेमिनार के दौरान जिला कराटे संघ के सचिव व प्रशिक्षक राकेश कुमार ने भी सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। ये जिला कराटे संघ कोंडागांव के तत्वाधान में 2 दिवसीय अपना कराटे का ट्रेनिंग रखा गया था, जिसमें अपने जिले के कराटे खिलाड़ियों को हमने हमारी संस्था के माध्यम से ट्रेनिंग दिया है, जिनका आज हम लोग एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। एग्ज़ाम उपरांत इनको भविष्य में आने वाले गतिविधियां जैसे राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और इनको जो भी टेक्निकली जो डाउट था वो हमने क्लियर किया है और आगे भी हम ऐसा अपनी संस्था के माध्यम से इनकी ट्रेनिंग के लिए काम करते रहेंगे। जिला कराटे संघ विगत 3 वर्षों से जिले में कराटे को लेकर सक्रिय रूप से काम कर रही है। हम शासकीय विभागों के माध्यम से भी प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं, जिसमें हमने बालिकाओं को, पूरे जिले की बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण दे के उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा निरंतर ये प्रयास है कि जिले की बालिकाएं विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए इस मार्शल आर्ट को सीखें। कराटे से उनको शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ तो उनको खेलों का भी लाभ मिलता है, क्योंकि यह स्कूल गेम, ओपन, एशियन सभी में इंक्लूड है, जिससे उनको आगे इसमें कोच के तौर पे भी बेहतर काम कर सकते हैं। हम तो सभी के चाहते हैं कि इस खेल से जुड़े और उनको इनका फ़ायदा मिले।